इसमें वो तो नहीं कैमरा। अच्छा सर, इतनी जगह कहाँ है यार, एक एक करके करते रहते तो बढ़िया था, एक एक करके जरा दिया था, लेट हो जाएगी ऐसे हो जाता। हाँ वहाँ तो हो जाता, स्टार्ट करते सर है करें है। हाँ वो आई डी तो भेज दी, भेज दी करें साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आप सभी को 74वीं आजादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा भारत देश की आज आजादी, आजाद हुए हमारे भारत देश को आज 74 साल हो गए। और इस आजादी के साल के उपलक्ष्य में, इस सालगिरह के उपलक्ष्य में हम सभी ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी मेंबर, सभी पानीपत ब्रांच के जो मेंबर हैं, आप सभी का सर हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप सभी ने पार्टिसिपेट किया और सभी जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत सर। और आज हमारे साथ ब्रांच के मैनेजिंग कमेटी के सबसे पहले जो ब्रांच के लीडर हैं, सर्वे सर्वा ब्रांच के चेयरमैन सुरेश मंदवानी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी ब्रांच के जो वाइस चेयरमैन हैं मनप्रीत सिंह गंभीर जी, वो मौजूद हैं। और हमारी ब्रांच के जो ट्रेजरर हैं योगेश गोयल जी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सर, इससे पहले कि हम फ्लैग होस्टिंग और जो वेबसाइट लॉन्च चेयरमैन सर के कर कमलों से करवाएं, हम एक छोटी सी एक हमारे से गुजारिश है सभी पार्टिसिपेंट से, एक बार वो अपना माइक जो है वो म्यूट कर लें ताकि शोर ना आए। सर माइक म्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू एवरीवन। और हमारे साथ कुछ सीनियर मेंबर भी मौजूद हैं। सर, इस आजादी को पाने में हमें 74 हमारे को कई साल लग गए, और इस आजादी को मिलने के बाद इसको संभाले रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज जैसे सुबह मोदी जी का भाषण आया हुआ था कि आत्मनिर्भर भारत, हर फील्ड में हमें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे फेसलेस अपील होगी, वहां पर भी टैक्स पेयर को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, प्रोफेशनल को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपनी आज की जो डेलिब्रेशन है इसमें आगे फॉरवर्ड करता हूँ हमारे ब्रांच के चेयरमैन, ब्रांच के लीडर द ग्रेट लीडर ऑफ आवर पानीपत चेयरमैन पानीपत ब्रांच एंड द मोटिवेशन द फैक्टर ऑफ आवर ब्रांच एंड द रियल हीरो ऑफ आवर ब्रांच श्री सुरेश नंदवानी जी। मैं हृदय से और पूरी ब्रांच मैनेजिंग कमेटी की तरफ से और सभी ब्रांच पानीपत ब्रांच वासियों की तरफ से आपका सर हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने इस कोरोना काल में भी, इस कठिन परिस्थिति में भी आपने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं छोड़ा जो प्रोग्राम हम ना बना सके। हमने ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई वेबिनार, कोई सेमिनार हमारे लिए कोई कठिन महसूस, बल्कि हमें हमारे विंग और फैलते गए, हमारा दायरा जो है और फैला। तो सर आपका इन्हीं शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं हैंडओवर कर रहा हूँ हमारे ब्रांच के चेयरमैन सुरेश मंदवानी जी को। अगली आवाज आप जो सुनेंगे हमारी ब्रांच चेयरमैन सुरेश मंदवानी जी की सुनेंगे। आई एम फॉरवर्डिंग टू सुरेश मंदवानी सर। वेलकम सर। हेलो सर। थैंक यू भूपेंद्र जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पानीपत ब्रांच की तरफ से आप जितने भी उपस्थित सज्जन है हमारे साथ और जितने भी हमारे मेंबर जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस है जो हमारा 74वां स्वतंत्रता दिवस है। तो मैं जितने भी हमारे हमारे सीनियर मेंबर मौजूद है यहाँ पे सबसे आशीर्वाद लेता हूँ कि मैं इसी तरह अपना कार्य जारी रखूँ। और अभी जो हमारे मेरे कुलीग हैं या मेरे से जो यंगर हैं मेंबर हैं जो हमारे, तो उनसे सबसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि इसी तरह से हमारा सहयोग जारी रखेंगे ब्रांच के कार्यो में, ताकि हम लिए जो भी हमारा बेस्ट पॉसिबल होता है वो करके दिखाएं। आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पानीपत ब्रांच अपनी वेबसाइट शुरू करने जा रही है। आशा करता हूँ इस वेबसाइट से आपको पानीपत ब्रांच की सभी एक्टिविटीज जो भी हम करने जा रहे हैं रियल टाइम में अवेलेबल होंगी आपको। हालांकि हमारी वेबसाइट पहले काफी पहले चल चुकी थी, पर वो
अपडेशन नहीं होती थी, कमियां थी उसमें, अब हमने इसको सब कमियों को दूर कर दिया है और फर्दर भी अपेक्ष करते हैं आपसे जितने भी मेंबर हैं पानीपत ब्रांच के, आप अपने सुझाव देते रहें ताकि हम और बेटरमेंट कर सकें अपनी ब्रांच के लिए, और इस वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको नॉलेज मिलती रहे रियल टाइम में, इसमें हमने एक नया फीचर जोड़ा है रियल टाइम में आप कोई भी अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई आर्टिकल देना चाहते हैं, वो अपने बिहाफ पे आप अपलोड कर पाएंगे ताकि सब मेंबर्स को वो डायरेक्टली वेबसाइट पे दिखे। तो आप इस के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, क्योंकि अब ये नया ऑप्शन जो है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, बल्कि आज से ही मिलने वाला है। तो मैं सभी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना सहयोग हमारे साथ जारी रखे हुए हैं। धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू चेयरमैन सर, और आपका इन्हीं शब्दों के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद सर कि आपने इतने प्यार से हम सबको आशीर्वाद दिया, पूरी ब्रांच मैनेजिंग कमेटी को। और सर जैसे कि सर बता रहे थे कि भी वेबसाइट के बारे में, तो एक बार सबके मैसेज होने के बाद वेबसाइट की जो यूनिक फीचर है वो मैं अलग से भी डेलीबरेट करूंगा। तो मैं अभी हमारी जो ब्रांच के वेरी यंग एंड डायनेमिक जो वाइस चेयरमैन है मनप्रीत सिंह गंभीर जी सिंह साहब द ग्रेट, और हमारे इसमें जो मैनेजिंग कमेटी है, इस मैनेजिंग कमेटी के जो मेंटर हैं और जो ग्रेट लीडर हैं और जो आने वाले जो लीडर हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं हैंडओवर कर रहा हूं हमारे ब्रांच के वाइस चेयरमैन। अगली आवाज जो आप सुनेंगे हमारी ब्रांच के वाइस चेयरमैन मनप्रीत सिंह गंभीर जी की सुनेंगे। ओवर टू मनप्रीत जी। लो सर। थैंक यू भूपेंद्र जी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर और जो प्रेजेंट होंगे। सर गर्व की बात है, आज 74वां आजादी का दिन हम मना रहे हैं और टाइम देखिए कैसा आ गया कि हम वर्चुअली मना रहे हैं। यू कैन सी द सेट, यू हैवंट सीन द सेट, आप जब यहाँ है तो सेटअप आपको पता लगे, हमने स्पेशली स्क्रीन लगा के इस बार सेटअप तैयार किया। आपको फ्लैग होस्टिंग की लाइव दिखाएंगे, उसके बाद हमारे यहाँ चेयरमैन के सर के थ्रू। तो सर मैं कह रहा था कि इस कोरोना के टाइम पर हमने वर्चुअली एक फ्लैग होस्टिंग लाइव क्रिएट करने की, पिक्चराइज करने की कोशिश की है। अभी हमारे सुरेश सर चेयरमैन सर, ही विल बी होस्टिंग द फ्लैग एंड देन ही विल बी लॉन्चिंग आवर वेबसाइट। वेबसाइट नई नहीं है सर, ये पुरानी ही वेबसाइट है जिसको हमने न्यू फेस दिया है। इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमने इसे न्यू स्ट्रक्चर के तरीके से बनाया है। जैसे लाइक आवर चेयरमैन सर हैड सेड ऑल फॉर मी दैट वी अब लाइव प्रोसेस पे चलेंगी एंड इन हाफ एन आवर द वेबसाइट लिंक विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। यू कैन सी व्हाट आर द अपडेशंस वी हैव डन देयर एंड आल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द सजेशन बॉक्स भी सर उसपे अब आ गया है। पहले हमने ब्रांच पे बनाया था सजेशन बॉक्स, नाउ इट्स ऑन द पोर्टल। आपकी जो भी सजेशन होंगे सर डायरेक्टली टू द ब्रांच फोन जाएंगे। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर, आई विल हैंड ओवर टू द ब्रांच सेक्रेटरी भूपेंद्र जी। कैसे आइए। थैंक यू मनप्रीत भाई, और बस आप यही साथ बनाए रखिए। और अब जो मैं माइक जो ट्रांसफर कर रहा हूँ, हमारे जो ब्रांच के खजांची हैं ट्रेजरर और जिन्होंने पिछले साल से सेक्रेटरी बन के जो काम किया, इन्हीं से प्रेरणा पाकर मैं काफी कुछ इस बार और चेयरमैन सर के आशीर्वाद से मैं काफी कुछ कर पाया। और मैं योगेश भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ, ही इज द, ये मेरे से यंगर तो जरूर है लेकिन काम करने के मामले में मेरे से बड़े सीनियर हैं और इससे मैंने काफी कुछ सीखा कि एज ए सेक्रेटरी कैसे काम किया जाता है, आप कैसे टाइम दिया जाता है। तो मैं हमारे जो जो लीडर हैं भविष्य के योगेश गोयल जी, मैं इनका स्वागत करता हूं। और जो अगली राज आप सुनेंगे हमारी ब्रांच के खजांची योगेश गोयल जी की सुनेंगे। योगेश जी आपका स्वागत है पानीपत ब्रांच में। जी सर, ओवर टू। थैंक यू भूपेंद्र जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज हम 74वां आजादी दिवस मना रहे हैं, तो सभी को शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अब कोविड 19 पैंडेमिक की ओर से
जो सभी हम लोग घर पे अपने ठीक ठाक हैं, सभी को बधाई। और पानीपत ब्रांच भूपेंद्र जी ने और सुरेश जी ने मिलकर जो पैंडेमिक में काम किया, जो वेबिनार किए, सर वो शायद ही किसी ब्रांच ने इतने वेबिनार किए होंगे मेंबर्स के लिए। मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेंद्र जी को और सुरेश जी को। अपने मैसेज में मैंने इस चीज का जिक्र किया है। और जहां तक बात वेबसाइट की है कि आज न्यू वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं पानीपत ब्रांच की, तो मुझे सबसे अच्छा फीचर उस वेबसाइट का ये लगा कि मुझे अपनी, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और इनकम टैक्स जीएसटी दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, तो हमारी वेबसाइट का सबसे अच्छा मुझे पॉइंट ये लगा कि हमें एक वेबसाइट से हम किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हर एक चीज का लिंक वहां पर दिया गया है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर मुझे लगा, सुरेश जी को बहुत बधाई इसके लिए एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल मेंबर्स। ट्रेजरर साहब योगेश गोयल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, हम आज आजादी के 74वीं सालगिरह पर मैं दो पंक्ति कहना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की आन का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। तो आप सभी को इन्हीं शब्दों के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड नाउ आवर चेयरमैन सर विद द होल मैनेजिंग कमेटी टीम विल होस्ट द फ्लैग। तो आप सभी का सर हार्दिक स्वागत। आप सभी को हम लाइव दिखा रहे हैं पानीपत ब्रांच में कि फ्लैग होस्टिंग लाइव, और जैसे ही फ्लैग होस्टिंग जाएगी उसके बाद साइट इनॉग्रल करेंगे हमारे चेयरमैन सर, और उसके बाद जो कुछ फीचर है और जो कुछ सजेशन है जो हमारे मन में है, लेकिन अगर आपका सजेशन अच्छा आएगा तो हम उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर फ्लैग होस्टिंग। वी आर गोइंग टू आउट फ्लॉग। थैंक यू एवरी मच। लैंडस्केप में अच्छा आएगा ये।
बैंड के में अच्छा आएगा। Thank you.
इसको अंदर ले आऊंगा भैया भैया चल रहे बोल रहे आवाज आ रही है मेरे को क्या सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मैसेज दिया इतना अच्छा और सर जस्ट सर जो मैं साइट के बारे में बता रहा था जो अपनी वेबसाइट है जो हम अभी चेयरमैन सर लॉन्च करने वाले हैं इस साइट पर हम लास्ट टाइम कुछ सी मेंबर बैठे थे तो एक सुझाव आया था जो बड़ा अच्छा भी लगा आप सभी के अगर चैट बॉक्स में कमेंट आ जाए तो बहुत अच्छा है
हम ये चाह रहे हैं कि अगर किसी क्लाइंट की कोई फीस अगर पेंडिंग रहती है और क्लाइंट आपको फीस देता है, तो देखिए एनओसी का कंसेप्ट प्रैक्टिकली कितना फॉलो होता है ये सब आप जानते हैं, एनओसी कुछ नहीं आती। तो हम ये चाह रहे हैं कि सर साइट पे सीए का नाम, किस सीए का क्लाइंट है, उसका नाम और उसका पैन नंबर, सिर्फ इतना। हम उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं कर रहे, जैसे सिविल होती है, सिविल में ये आता है कि कितना अमाउंट उसने लिया है, कितना पेंडिंग है। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी फीस, अगर मेरे पास सुरेश सर का कोई क्लाइंट आता है तो मैं साइट पर अपनी पानीपत ब्रांच की साइट पर जाकर ये चेक कर सकता हूँ कि इनकी कोई फीस तो नहीं पेंडिंग किसी सीए के यहाँ से, ये जो मेरे पास एकदम से काम करवाने के लिए आया है। अगर फीस ना पेंडिंग हो, उसके बाद अब क्या है, मैंने साइट पर गया, मैंने देखा कि पैन नंबर सुरेश जी का, सुरेश जी सीए हो गए, पैन नंबर क्लाइंट का हो गया, और सिर्फ हम ये लिखते हैं कि फीस पेंडिंग है या नहीं है, अमाउंट हम नहीं डिस्क्लोज कर रहे क्योंकि इससे काफी कुछ सीक्रेसी जो है वो गलत हो सकता है उससे, और ना हम किसी को डिफॉल्टर डिक्लेयर कर रहे, बस एक वर्चुअल मोड है एनओसी लेने का। अगर वो आप सभी के सुझाव आते हैं तो वो भी बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट इस साइट पर हो जाएगा, और हमारी मैनेजिंग कमेटी तैयार है ये करने के लिए। अगर आप ये सुझाव अगर आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज तो हम नहीं करेंगे, आप अगर सुझाव देंगे तो ये सुझाव ठीक है सर। क्योंकि और सेकंड जो सर ने बताया, जैसे अभी चेयरमैन सर ने कि लाइव न्यूज़लेटर, ये सर ऑल ओवर इंडिया में ये दो यूनिक फीचर है इस साइट के बारे में, एक लाइव न्यूज़लेटर और सेकंड जो एनओसी कंसेप्ट है वर्चुअल मोड पे। पहला जो लाइव न्यूज़लेटर है, लाइव न्यूज़लेटर में जैसे ही किसी भी मेंबर का कोई आर्टिकल आता है, और प्रेफर रहेगा सर पानीपत ब्रांच के मेंबर का, क्योंकि ये साइट जो है होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पानीपत ब्रांच मेंबर है, अदर ब्रांच मेंबर जो है वो अपना खोल सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरली जो है ये पानीपत ब्रांच के मेंबर के लिए ही होली ड्राफ्ट की गई है विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन सर। और इस वेबसाइट के अंदर जो मैं बता रहा था कि दो फीचर हैं, पहली फीचर है कि लाइव न्यूज़लेटर, लाइव न्यूज़लेटर में अगर किसी से, हमारे साथ बहुत सारे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यंगर हैं, उन सभी का अगर कोई भी आर्टिकल अगर वो चाहते हैं कि उनका न्यूज़लेटर पब्लिश हो, तो वो आर्टिकल आप पानीपत ब्रांच की साइट पर मेल कर दीजिए, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड सबको देना भी ठीक नहीं है। तो आप पानीपत ब्रांच की मेल आईडी पर जैसे ही आप आर्टिकल मेल कर देंगे, द मोमेंट यू मेल द आर्टिकल, उससे अगले 5 या 7 मिनट के अंदर वो आर्टिकल आपका साइट पर पब्लिश हो जाएगा पानीपत ब्रांच की साइट पर, और सभी पानीपत ब्रांच के मेंबर और जो भी उस साइट को विजिट करेगा उस साइट पर ये सभी देख पाएंगे, जो पहला यूनिक फीचर है। और ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि चेयरमैन सर की परमिशन से, सुरेश जी की परमिशन से पूरे इंडिया में ये पहला यूनिक कंसेप्ट है जो शायद कहीं ना हो। और सेकंड जो यूनिक कंसेप्ट जो हम लेके आ रहे हैं, जो मैंने अभी बताया था वर्चुअल एनओसी का, अगर किसी भी सीए के कोई क्लाइंट अगर कोई फीस नहीं दे रहा है 3 साल से 4 साल से 5 साल से, आपको पता है हम इन चीजों के विक्टिम्स हैं, और हमारे पास क्लाइंट आते हैं और वो जब उसको काम करवाना होता है तब तो काम करवाता है, और दूसरी बार वो किसी और सीए के पास जाता है, हमारी फीस हो जाए तो देता नहीं है, पूरी नहीं देता जैसे भी है इसमें, और एडवांस फीस सबसे ले नहीं सकते। तो इस केस में सर वर्चुअल जो एनओसी का जो कंसेप्ट, हम जल्दी ही अगर आपके सुझाव अगर आते हैं तो हम इसको लॉन्च कर देंगे। उसमें ये होगा अगर किसी भी क्लाइंट की कोई फीस पेंडिंग है, तो आप जैसे सिविल की साइट होती है आप साइट पर जाकर आप ये चेक कर पाएंगे कि मैंने जैसे ही नाम डाला कि ये जो क्लाइंट आया इसका पैन नंबर आप डालो, और आपको पता लग जाएगा कि इसकी फीस किसी सीए के यहाँ पेंडिंग तो नहीं है। तो विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द मैनेजिंग कमेटी मेंबर एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द सपोर्ट एंड लव एंड फ्रॉम द ऑल ऑफ पानीपत ब्रांच मेंबर। और एक चीज और मैं सर आपसे यहाँ पर आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा, हम सभी ने जब से वर्चुअल लॉकडाउन शुरू हुआ है, पहले हमने बीएससी रिफ्रेशर कोर्स शुरू किया, फिर हमने बीएससी महाकुंभ शुरू किया, फिर तथास्तु, फिर आयुष्मान भव पार्ट 1, आयुष्मान भव पार्ट 2। आप यकीन मानिए सर, आप सभी मेंबर को मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैनी मोर टू कम, और प्रेसिडेंट सब जो हैं हमारे इंस्टीट्यूट के वो तक इसको तारीफ कर चुके हैं कि बड़ा यूनिक कंसेप्ट चल रहा है, आगे देखिए सर क्या होता है। और हम चेयरमैन सर का ये आदेश है हमारे सब मैनेजिंग कमेटी मेंबर को कि आप इसी तरीके से ब्रांच को वेलफेयर के लिए और ब्रांच को अपडेट करते रहें, और हम इनकी आज्ञा और आप सभी के लव एंड सपोर्ट से ये चलता रहेगा। और आजादी की इस 74वीं सालगिरह पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ
कि हम सब आप सभी के लिए ही काम करेंगे। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन सर साइट का लॉन्च करें, वेबसाइट पानीपत ब्रांच की, जिसकी मैं फीचरों का गुणगान कर रहा हूँ। तो ओवर टू चेयरमैन सर। धन्यवाद भूपेंद्र जी। सभी को बहुत बहुत बधाई। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे जो हमारा जो फीचर है, जो नया एडिट है, तो जो लाइव न्यूज लेटर ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप हमने सुझाव हमने न्यूज लेटर में यहाँ पे पोस्ट करें, ताकि हमारे पास सारे मेंबर्स को, सारी ब्रांच के हो, सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो सके। ये हमारा फॉलो एस ऑन यूट्यूब लिंक भी आपको अप्लाई कर रहा है ऊपर। तो इससे आपने जितने भी सेमिनार हमारे ऑनलाइन अभी तक हो चुके हैं, हमारे सारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी पोस्टिंग है, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसमें टोटल हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन में, 460 सब्सक्राइबर हैं। और ये हम बहुत ही जल्दी इसको 500 मार्क, तो मेरे को लगता है कि 100 दिन में क्रॉस कर लेंगे जो हमने लॉन्च किया है। इसमें हमारे 52 टोटल 55 हमारे सेमिनार अपलोडेड है रियल टाइम में। पर आप इसमें देख भी रहे होंगे हमारे जो इतनी सारी सर्विसेज हमने इसको लॉन्च कर दिया है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ ICAI। तो इसमें स्टूडेंट का सेक्शन भी है, मेंबर्स का सेक्शन भी है, स्टूडेंट भी इसको असेस कर सकते हैं इजिली। और इसके साथ ही हम मेंबर्स की डायरेक्टरी भी ऑनलाइन देने जा रहे हैं आपको। ये आपको आपका जो अपडेटेड है वो भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो फिजिकल डायरी है, हमारी ब्रांच डायरेक्टरी बोलते हैं जिसको आप, वो भी आपके हाथ में बहुत जल्दी पब्लिश होने जा रही है। तो आपको रियल टाइम मोड में और ऑफलाइन मोड में दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगी। जितने भी हमारे अपडेटेड हैं, जो हमारे नए स्टूडेंट्स ये बने हैं, उनका सारा बड़ा डाटा आपको हमारी डायरेक्टरी में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें हमने अपडेशन काफ़ी कर दिया है। फिर भी मैं शक्त करता हूँ आपके जितने ज़्यादा सुझाव आप करें हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, हम इसको भी और बेटरमेंट कर सकें। इसमें मेंबर्स आईडी वगैरह भी फीचर ऐड कर दिया है, आपकी बर्थ डेट भी ऐड कर दिया हमने, और इसके अलावा बहुत सारी फीचर्स और हमने ऐड कर दी। और इसमें आप हमें फीडबैक वाला ऑप्शन भी इसमें एडिड है, जो काफ़ी अच्छा फीचर है। तो इसमें जितने भी फीडबैक आएंगे हम उसको खुद रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे। आप फीडबैक करना सर, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अदर फीचर जो भी हैं इसमें, जिससे रिलेटेड आपकी कोई फीडबैक है वो सारा कुछ यहाँ आ जाएगा।
तो आप ये सब देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे कि काफी हद तक हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करी है, फिर भी हम आपके सुझावों की अपेक्षा करते हैं कि इसको और बेटरमेंट हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में हम इसको और ज्यादा कैसे बेटरमेंट कर दें कि सब स्टूडेंट को, सब मेंबर्स को घर बैठे बैठे ही, ऑफिस में बैठे बैठे आपको ब्रांच की सारी एक्टिविटीज, लेटेस्ट न्यूज, जितने भी प्रोफेशनल न्यूज हैं, जितने भी हमारे नोटिफिकेशन आते हैं, जितनी भी अनाउंसमेंट है इंस्टीट्यूट की, सब आपको अपनी स्क्रीन पे ही मिल जाए। थैंक यू चेयरमैन सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत वेबसाइट का आपने आज इनॉग्रेशन किया। और सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है सर, जितने जैसे सर ने बताया कि हमारे 55 से ज्यादा वेबिनार हो चुके हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, और सारे के सारे वेबिनार जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर अब तक के अपडेटेड हैं, और जितनी भी अब तक पीपीटी इसमें यूज हुई है वो सारी पीपीटी जो है कल या परसों तक ममता मैम आपको मेल कर देगी ब्रांच की तरफ से। और जैसे कि सर आप बता रहे थे कि फीडबैक का फॉर्म है, तो फीडबैक का इंस्टेंट रिप्लाई करने की कोशिश करेगी होल मैनेजिंग कमेटी टीम और ब्रांच इंचार्ज अगर कुछ ऐसा टेक्निकल इश्यू होगा तो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है सर, सुझाव आप देते रहिए, कोई भी सुझाव ब्रांच की साइट को इम्प्रूवमेंट, ब्रांच की इम्प्रूवमेंट को लेकर अगर कोई भी सर सुझाव आप देते हैं तो हमारे चेयरमैन सर तुरंत प्रभाव से, क्योंकि हमारे चेयरमैन सर भी बड़े डायनेमिक चेयरमैन हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और तुरंत प्रभाव से लागू भी करवा देते हैं। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग जारी रहेगा विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और विद द ब्लेसिंग ऑफ चेयरमैन सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्क्रीन पर जो मुझे नजर आ रहे हैं जैसे जगदीश रमिजा जी, रविंदर सिंह, योगेश्वर और संगीता, मुकेश उपेजा, पारस भाटिया, नितिश सुख, आप सभी का हार्दिक स्वागत कि आपने इतना कीमती समय निकालकर आज सुबह आप हमारे साथ जुड़े। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, और तिरंगा जरूर लहराएं आज अपने घर पे, अपने बाहर जहां पर भी आपको मन लगे, और इस तिरंगे की शान को भी बरकरार रखना है, इस पानीपत ब्रांच की शान को भी बरकरार रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ तथास्तु, आयुष्मान भव एंड महाकुंभ, नमस्कार टू ऑल, धन्यवाद, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय आईसीआई, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्रोग्राम था, और इसके अलावा जो वेबसाइट बनाई है, न्यू लुक दिया है, बहुत अच्छी है। फीडबैक का कॉलम स्पेशली बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रांच के सभी मेंबर टैलेंटेड हैं, सबके पास कुछ ना कुछ सजेशन होती है, क्योंकि टीम हमारी 7 की नहीं है, 700 की टीम है, तो सबके सजेशन आएंगे, तो मुझे लगता है ब्रांच दिन दुगनी रात चौगनी बहुत तरक्की करेगी। तो मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, थैंक यू जगदीश जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद रविंदर जी, दो शब्द आपकी तरफ से भी। आवाज नहीं आ रही रविंदर भाई, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही थी, सुझाव मुकेश जी बैठे बुलवा लो फोन, अरे तू बोल तो पढ़ कुछ गया, डाल दे इसमें से, सामने से बोल रविंदर भाई। हाँ, बोल, फोन फोन नहीं है, मुकेश टुटेजा, मुकेश टुटेजा जी, मुकेश भाई
चला ही गया लो मुकेश तो इतना शर्मिला है, बताओ शादी होने के बाद क्या हाल है। चलिए चलो ठीक है सर, ठीक है ओके।